नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम जो एक आपको प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं वो है टॉप लोडेड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। अगर आप एक कोई अच्छा वॉशिंग मशीन ढूंढ रहे हैं टॉप लोडेड और बजट में जो बहुत ही अच्छा हो, तो ये आपके लिए बहुत ही कामगार वीडियो है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो मॉडल है कौन सा है। तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं इसकी, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फाइव स्टार रेटेड है। इसको ज़रा मैं फोकस कर लेता हूँ, देखिए ये फाइव स्टार रेटेड है। और इसका जो मॉडल नंबर है वो है आपका, यहाँ पे देखिए WA65T4262GG/2021, मतलब 2021 का मॉडल है। और WA65 मतलब 6.5 केजी का ये वॉशिंग मशीन है, ठीक है। और इसमें आपका जो इलेक्ट्रिसिटी जो है कंज्यूम होता है 0.0094 किलो वॉट आवर पर केजी पर साइकिल, ठीक है। तो और ये जो वाटर कंजम्पशन है वो 20 लीटर के आसपास है पर केजी पर साइकिल। तो ये आपका मॉडल हो गया। अब हम इसकी जो वारंटी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें 3 ईयर वारंटी है ऑन कंप्लीट मशीन, और जबकि जो मोटर है इसके अंदर उसके ऊपर 12 साल की वारंटी है। अगर आपको बिगड़ता है तो आपको रिपेयर करके वापस लगा देंगे, ठीक है। तो ये सैमसंग की वॉशिंग मशीन है। तो पहले हम बॉडी के बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या है, किस टाइप की बॉडी है। तो ये जो आपका जो मटेरियल है इसमें तीन तरफ जो है मेटल की बॉडी लगी हुई है, ठीक है। देखिए ये मेटल की पत्रा जो बोलते हैं हम लोग टीना, उसका है, ठीक है। और बाकी जो आप ये ऊपर का है वो प्लास्टिक मटेरियल है, और इसका जो बैक साइड है वो भी प्लास्टिक मटेरियल आता है। यहाँ तक तो आपका मेटल है, लेकिन ये पीछे जो ब्लैक है वो प्लास्टिक मटेरियल है। और इसमें जो बॉटम है, बॉटम में भी प्लास्टिक है। बॉटम में एक रेड कवर दिया हुआ है ताकि अंदर से कोई क्या कहते हैं चूहा जो है अंदर घुस ना जाए, इस वो दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसके फीचर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसमें जो आपका जो पैनल है वो ऊपर की तरफ है, नहीं कि आगे की तरफ। तो इस वॉशिंग मशीन में दो टाइप की आती हैं, इसमें सैमसंग में एक आगे पैनल रहता है यहाँ पर और दूसरा पीछे। तो हमेशा पीछे वाला पैनल प्रेफर करिए, क्योंकि आगे पैनल रहने से अगर आपके घर में बच्चे हैं तो वो बच्चे आपका बटन कभी भी दबा सकते हैं। और दूसरा है कि आप कपड़े धो रहे हैं और कहीं मान लो कि आपने कपड़ा निकाला पानी वाला है, तो पानी अगर इस पर गिर गया तो पैनल ख़राब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमेशा पीछे के पैनल वाला लीजिए, ठीक है। ये आपका पूरा टफंग ग्लास दिख रहे हैं आप, उसके ऊपर एक्रेलिक का ग्लास है, आप देख सकते हैं कपड़ा कैसा अंदर जा रहा है। तो एक अच्छा व्यू यहाँ से आपको दिखता है, ठीक है। और ये डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसके अंदर इन्वर्टर मोटर है और इसमें वोबल टेक्नोलॉजी है। तो वोबल टेक्नोलॉजी क्या है दिखा देते हैं आपको। तो आपको ये जो ड्रम है, ये आपका जो ड्रम है ये देखिए, हाँ इसको फोकस कर लेता हूँ थोड़ा। यहाँ पे ये जो आपका जो ये मटेरियल है यहाँ पे, ये डायमंड कटिंग टेक्नोलॉजी, डायमंड जैसा दिख रहा है आपको, ठीक है। तो प्लास्टिक और जो टीना होता है अपना एसएस, उस टाइप का मटेरियल दोनों मिक्स है। और यहाँ पे दो रोलर दिए हुए हैं, तो यहाँ से वो वोबल वोबल करता है, मतलब कपड़े जो है सीधा नीचे से कि ऊपर की तरफ प्रेशर मारता है, ठीक है। तो ये आपका ड्रम हो गया। ड्रम के आप साइड में देखिए, यहाँ पे आप सॉफ्टनर डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। तो सॉफ्टनर जो है आप मैं दिखा देता हूँ किस टाइप का सॉफ्टनर, जैसे कि ये देखिए कम्फर्ट का आता है, अच्छा, ठीक है। ये सॉफ्टनर तो कपड़े को सॉफ्ट भी रखता है और उसमें अच्छी स्मेल भी आती है। तो ये एटलीस्ट 55 रुपीज़ का आता है, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। फिर आप यहाँ देखेंगे, अगर ध्यान से थोड़ा मैं इसको डिफोकस करता हूँ, हाँ। तो ये देखिए आप कॉलर को रब करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कॉलर जो भी मतलब हाथ का जो कफ है वो कफन है, उसको भी आप पूरा जो यहाँ पे रब कर सकते हो। तो एक अच्छा डिज़ाइन दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये हमारी अंदर की बात हो गई। फिर ये आपका ये डिटर्जेंट बॉक्स है यहाँ पे, इसको थोड़ा फोकस कर लेता हूँ मैं, हाँ। देखिए यहाँ पे डिटर्जेंट डाल दिया हुआ है, ठीक है। डिटर्जेंट बॉक्स है, सॉफ्टनर है। तो अब हम इसको बंद करते हैं और दूसरा हम दोनों जो आपका इनलेट और आउटलेट पाइप का दिखा देते हैं। तो इनलेट में हमको साथ में ये वाला पाइप आया था आपका, ठीक है। ये मुश्किल से 1 मीटर के आसपास है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1 मीटर हमको छोटा पड़ रहा था, तो हमने ऑनलाइन 2 मीटर का ये जो है मंगा लिया है, 2 लीटर का, सॉरी 2 मीटर का, सॉरी। और ये हमारा आउटलेट पाइप है, आउटलेट पाइप ठीक है,
इतना जनरली आता ही है। तो ये हमारा आउटलेट पाइप यहाँ पे रख दिया हमने। हाँ, इसके अंदर व्हील्स भी हैं, ठीक है। तो व्हील्स आप इसको कहीं भी आप मूव कर सकते हो। हमने अभी इसको थर्मोकॉल पे रखा हुआ है। आपका जो इंजीनियर इसको लिए इंस्टॉलेशन के लिए इंजीनियर आएगा, वो सब कुछ आपको बता देगा। लेकिन आपको ये क्यों लेना चाहिए, इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि अगर आप सर्च मॉडल नंबर सर्च करते करते आए हैं यहाँ पे, तो ये क्यों लेना चाहिए, तो उसका जो फ़ायदा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अब यहाँ पे हमारा जो पैनल है, यहाँ पे देखिए जो सेंटर में है आपका पावर बटन है, ये स्टार्ट पॉज बटन है, यहाँ पे सारे फंक्शंस दिए हुए हैं अलग अलग मोड के, और यहाँ पे आपका स्पिन और वॉशिंग टाइम ये सब पूरा आपका दिया हुआ है। तो एक एक करके हम आपको दिखाएंगे। फर्स्ट पावर ऑन कीजिएगा। ओके, पावर ऑन करने के बाद ये नॉर्मल में लाइट जलेगा। नॉर्मल मतलब रोज पहनने वाला कपड़ा, मिक्स कपड़ा, हर तरह का कपड़ा होगा, हर कपड़ा अगर मिक्स कपड़ा ऐसा होगा तो इसमें आएगा। अगर इसको चेंज करना है तो ये सर्कल से चेंज होगा। अच्छा। इसको दबा देंगे तो इधर में आ जाएगा सुपर क्लीन। और ज़्यादा गंदा कपड़ा होगा तो इसमें डालना है सुपर क्लीन में। ओके, ये हो गया क्विक वॉश, ज़्यादा गंदा नहीं, जल्दी धोना है, जल्दी क्विक वॉश में तो क्विक वॉश डाल दीजिएगा। ये हो गया डेलिकेट, पतला कपड़ा, साड़ी वगैरह जो जितना पतला का इसमें आएगा। अच्छा, ये हो गया एक्वा प्रेस, इसमें तो पानी सेविंग करता है थोड़ा, ठीक है। ये हो कल जींस पैंट धोएंगे तो सिर्फ जींस पैंट में, सिर्फ जींस के लिए, जींस के लिए लिखा हुआ है। ये हो गया एनर्जी सेविंग, इसमें तो कारण थोड़ा सेविंग करता है फंक्शन में। ये हो गया रिंस प्लस स्पिन, मतलब एक बार धोके सुखा के बंद कर देगा जल्दी। अच्छा, ये हो गया इको टॉप क्लीन, ये मतलब मशीन साफा करने के लिए, मशीन साफ करने के लिए। ओके, 3 महीने 6 महीने बाद जो हम लोग टॉयलेट साफा करते हैं, हार्पिक है ना, सिर्फ हार्पिक डाल दीजिएगा, कपड़ा मत दीजिएगा। अच्छा, ये ऊपर में बकेट में हार्पिक दे दीजिएगा, हार्पिक देके पावर ऑन करके यही इस फंक्शन में इसको चालू कर दो, तो फिर स्टार्ट कर दीजिएगा। कुछ दबाना नहीं है, सिर्फ स्टार्ट करना है, ठीक है। वो साफा करके पानी निकल देंगे। ओके, तो जो भी फंक्शन में चाहिए वो लाके डायरेक्ट स्टार्ट कर दीजिएगा, स्टार्ट कर दीजिए डायरेक्ट। तो हर फंक्शन में कंपनी के हिसाब से आपका वाटर लेवल जो है वो अपने आप ले लेगा, अपने आप ले लेगा। वॉश जो टाइम दिया हुआ है सब फंक्शन में अलग अलग टाइम सेट किया हुआ है। अच्छा, रिंस टाइम भी सेट किया हुआ है, स्पिन टाइम भी सेट किया हुआ है। अच्छा, तो अगर आपको चाहिए, जैसे आप सोच लीजिए जींस पैंट में धोएंगे, आपके इधर में 18 किया हुआ है, रिंस वाला 2 किया हुआ है, स्पिन 5 किया हुआ है, आपको अगर ज़्यादा चाहिए तो 12 भी सकते हैं। अच्छा, तो जैसे वॉश वाला हो गया 18 है, 24 भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ सामने बटन दबाने से उसका 30 भी कर सकते हैं, बढ़ जाएगा। फिर 18 से कम भी कर सकते हैं, 6 में आ जाएगा, ठीक है। इसको भी सेम बढ़ा सकते हैं, कमा सकते हैं, इसको भी बढ़ा से कम सकते हैं। ओके, अगर चाहिएगा तो दीजिएगा, नहीं चाहिएगा लेकिन तो ये करने से क्या डिफॉल्ट सेटिंग तो नहीं हो जाएगी? नहीं नहीं नहीं, सेटिंग वो ऑफ करने से वापस डिफॉल्ट ले लेगा, डिफॉल्ट जहाँ पर था वहीं पर आ जाएगा। ओके ओके, ठीक है। तो मतलब सेट किया हुआ है, अगर चाहिएगा तो तब पकड़िएगा, तो नहीं चाहिएगा तो मत दीजिएगा। तो पावर ऑन करके डायरेक्ट जो भी फंक्शन में चाहिए इससे लाके स्टार्ट कर दीजिएगा। ओके, सब सेट किया हुआ है। जैसे मॉनसून दिया हुआ है, अगर मॉनसून चाहिए आपको, जैसे आपका कपड़ा अगर कोई भी फंक्शन में धोइएगा तो सूख जाएगा। मॉनसून में आपका जो बारिश का टाइम में धूप वगैरह नहीं देता है 2-3 दिन, तो आपका वो मॉनसून में देने से आपको ज्यादा सूख जाएगा, ज्यादा स्पिन करेगा ना वो, टाइम ज्यादा। हाँ, तो एक बार देने से 15 मिनट, दो बार देने से 30 मिनट चाहिएगा तो दीजिएगा, नहीं चाहिएगा तो मत दीजिएगा। और ये शौक हो गया, जैसे हम लोग बाल्टी वगैरह में 1-1.5 घंटा पहले कपड़ा भिगो के रखते हैं, बाद में धोएंगे, तो वही ऑप्शन शौक है। अच्छा, ठीक है, ये हर फंक्शन में ऑन नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, पहले स्टार्टिंग में करना पड़ेगा। पहले जैसे मैंने पावर ऑन कीजिएगा, मतलब हर फंक्शन में ये ऑन नहीं होता है, कुछ कुछ फंक्शन में ऑन होता है। अच्छा, जैसे आपका नॉर्मल में ऑन होगा। ओके, ठीक है, अगर इसमें इधर में भिगो के रखना है, सिर्फ भिगो के रखना है तो सिर्फ भिगो के भी रख सकते हैं, तो ये वाला देखे फिर स्टार्ट करना है, वो अपने आप कर लेगा। अच्छा, ठीक है, वो अपने आप कर लेगा। अगर चाहिएगा तो दीजिएगा, नहीं चाहिए तो नहीं दीजिएगा। इधर में जो ड्रेन दिया हुआ है, ये ड्रेन क्या होता है, आपका पानी तो ऐसे अपने आप निकल जाएगा, कभी भी आपको जल्दी निकलना है, पानी फंस गया आपको निकलना है, तो पावर ऑन करके ड्रेन वाला बटन दबा दीजिएगा, पानी अपने आप आउट कर देगा। अच्छा अच्छा, और ये डिले एंड हो गया, आपका ऑफिस में 8 बजे चला जाएंगे, 12 बजे टैंकी में पानी आता है जो क्वार्टर वगैरह में, तो डिले करके चला सकते हैं, जैसे आपका 1 आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स करके। हाँ, समझ गया। मान लो कि हमको पता है कि पानी अभी 2 घंटा बाद आएगा और मैं रहूंगा नहीं, तो इस पावर कपड़ा ऊपर साफ डाल के पावर ऑन करके डिले एंड कितना घंटा है वो तो मत दे के स्टार्ट करके अब चला जाइए, चला जाइए, 3 घंटे बाद स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, अपने आप पानी लेके स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट करके जाना पड़ेगा। अच्छा, ये 3 जो इंडिकेटर है इसका मतलब ये वॉश रिंस एंड स्पिन। ओके, पहले वाला जो पहले ब्लिंक करेगा वॉश, फिर ब्लिंक करेगा आपका रिंस, फिर ब्लिंक करेगा स्पिन। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, वो आपको सिर्फ ड्राई करना है, सिर्फ स्पिन, हाँ, स्पिन करना होता है, बाहर में कपड़ा धोके डाल दीजिएगा, डालने के बाद पावर ऑन कीजिएगा, पावर ऑन करने में जो वॉश वाला जो बटन है इसको दबाते रहिएगा, बंद हो गया, बंद हो गया, आपको वॉश नहीं चाहिए, फिर इसको दबाते रहिएगा,
बंद कर दीजिए अभी, स्पिन जला स्पिन हुआ अब जो भी अभी, हाँ। अभी फाइव में है, अब नाइन में लेके फिर कमा भी सकते हैं, इसको दबाते रहिएगा वन टू थ्री जितने चाहिए, देने के बाद स्टार्ट कर दीजिएगा तो अपने आप सिर्फ सुखाएगा। अच्छा अच्छा, ऐसे भी सिर्फ वॉश भी कर सकते हैं, स्पिन भी कर सकते हैं। अच्छा, वैसे सेम सिर्फ सिंगल ऑप्शन करना, ऑप्शन करना है तो इसको बंद करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, तो इसे दबाते रहिएगा तो अभी तो ऑफ नहीं होगा, ठीक है, देखिए ऑफ हो गया, फिर देने से फिर आ जाएगा वो। अच्छा, तो जो फंक्शन चाहिए वो कर सकते हैं। ठीक, तो ये 6.5 केजी का, तो हम सबसे पहले 6.5 केजी ड्राई कपड़े डाल देते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हमारे कपड़े रेडी, हम डाल देते हैं अंदर। तो दोस्तों हमने इसके अंदर कपड़े डाल दिए हैं अराउंड 6.5 केजी के आसपास, वेट नहीं करना लेकिन अप्रॉक्स हमें पता चल जाता है। अब हम इसमें जो है पानी चालू करेंगे, तो पानी हमारा चालू है अभी। ठीक है, अब इसका हम जो प्लग है वो ऑन कर लेते हैं। तो गाइस ये हमारा फाइनल स्टेज है स्पिनिंग का। इसका जो आरपीएम है करीब 785 के आसपास रहता है आरपीएम, क्योंकि सेम टब वॉशिंग का भी है, सेम टब आपका स्पिनिंग का भी है, इसलिए इसका आरपीएम जो है 780 उसके आसपास रहता है। अगर आप फुल सेमी ऑटोमेटिक लेते हैं तो उसमें जो स्पिनिंग आरपीएम है वो करीब आपका 1200-1300 आरपीएम रहता है, वहाँ आरपीएम ज़्यादा रहता है। देखिए ये ऐसा वाइब्रेट भी थोड़ा करेगा लेकिन इसे डरने की ज़रूरत नहीं है। साइकिल जब ख़त्म हो जाएगी तो यहाँ पे बजर साउंड बजेगा कि आपका ये साइकिल पूरा हो चुका है। दूसरा, मैं एक चीज़ आपको बताना रह गया था यहाँ पे, कि यहाँ पे आपका ये लिन फिल्टर भी है जो ऐसे आप निकाल सकते हो पुश करके। ये जो क्या होता है कि आपके जो कपड़े के रेसे हैं या बाल हैं या कोई भी चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इसमें फंस जाती है, फिर आपको साफ़ करना होता है, महीने में एक बार आपको ये साफ़ करना होगा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको सेमी ऑटोमेटिक मशीन चाहिए तो LG का एक मॉडल का मैंने रिव्यू किया था जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, तो वो आप ले सकते हैं, और फुल्ली ऑटोमेटिक चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं। देखो दोनों का डिफरेंस अलग है, वो उसमें आपको सब कुछ मैन्युअली करना होगा, इसमें आपको ये फुल्ली ऑटोमेटिक एक बार आपने प्रोग्राम चला दिया तो वो चलता रहेगा अपने आप। और तो दोनों का अपना अपना बेनिफिट है, वहाँ पे आपको कपड़ा सुखाने के लिए आरपीएम जो है अच्छा मिलेगा और वहाँ सब कुछ मैन्युअली रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स पैनल नहीं रहेगी तो जल्दी ख़राब होने के चांसेस नहीं रहते हैं। लेकिन फुल्ली ऑटोमेटिक भी अच्छी है ऐसा नहीं है, लेकिन आप ये चीज़ ध्यान रखें कि ऊपर जो है आपका ये रहना चाहिए पैनल, और बाकी तो सब चीज़ अवेलेबल ही है सारी। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको परचेस करना है तो मेरी जो नीचे दी हुई लिंक है उसमें से आप जाके परचेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे डाल दीजिए, मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, आपको जो भी और क्वेरी है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।